बिजली जब चमकती है आकाश बदल देती है, आंधी जब धमकती है तो दिन रात बदल देती है, धरती जब दरकती है सीमांत बदल देती है, और नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है। मैं ये तो नहीं बताऊंगा ये पंक्तियां किसने लिखी है, क्योंकि ये जानना जरूरी नहीं है। जानना ये जरूरी है कि यह किसने कही है और किस संदर्भ में कही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य आत्रे और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। बात साल 2002 की है। राजस्थान के सीएम रहे भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बन चुके थे, लेकिन बीजेपी राजस्थान की सत्ता किसे सौंपी जाए इसे लेकर मंथन जारी था। राजस्थान बीजेपी के कुछ ऐसे बड़े नेता भी कयास में थे कि अब उन्हें राजस्थान की सत्ता में एक बड़ा मुकाम मिल सकता है, जिस दौड़ में गुलाबचंद कटारिया और घनश्याम तिवारी शामिल थे। भैरव सिंह शेखावत जब उपराष्ट्रपति बने तब दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान के पार्टी अध्यक्ष के बारे में भैरव सिंह शेखावत से पूछा। कुछ नामों पर चर्चा हुई, फिर शेखावत ने एक नाम लिया तो अटल बिहारी वाजपेयी चौंक गए। सत्ता के गलियारों में अपने पैर जमाने के लिए नेताओं को काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन राजस्थान में एक नाम ऐसा भी है जिसे सत्ता विरासत में मिली और इस नाम ने राजस्थान की राजनीति को एक नए आयाम पर पहुंचाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे न सिर्फ एक राजनीतिज्ञ हैं, बल्कि वो धौलपुर राजघराने से भी ताल्लुक रखती हैं। वसुंधरा राजे की राजस्थान में राजनीतिक यात्रा काफी लंबी रही। वसुंधरा ग्वालियर के राजघराने से संबंध रखती हैं। 8 मार्च 1956 को मुंबई में जन्मी राजे की 1972 में धौलपुर के राजघराने में हेमंत सिंह से शादी हुई। वसुंधरा के राजनीतिक करियर की बात करें तो वसुंधरा राजे ने 1984 में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने भिंड से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें अपने पहले ही चुनाव में हार मिली। राजस्थान के कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत की सलाह पर उन्होंने 1985 में ना सिर्फ धौलपुर से चुनाव लड़ा बल्कि जीता भी। इसके बाद से ही वसुंधरा राजे ने राजस्थान की सियासी राजनीति में मजबूती से पैर जमाना शुरू कर दिया। वसुंधरा राजे ने झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया, जिसकी वजह ग्वालियर राजघराने का इस क्षेत्र में दखल माना जाता है। यहाँ से वो लगातार 5 बार सांसद चुनी गईं। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें 1998-1999 के बीच अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। राजे को विदेश राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। उन्हें मंत्रालय का कामकाज भी मिला। 2002 में भैरव सिंह शेखावत के कहने पर ही वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हुई। तब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले काफी चर्चाओं में थी। भैरव सिंह शेखावत के इस भरोसे को वसुंधरा राजे ने टूटने नहीं दिया और महज एक साल में ही वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन हो गया और उसके बाद से ही राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2003 से साल 2018 तक वसुंधरा राजे ने प्रदेश की कमान बतौर 2 मुख्यमंत्री के रूप में संभाली और खुद को न सिर्फ राजस्थान साथ ही देश की राजनीति में एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। 2018 में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही भाजपा ने विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजस्थान में एक बार फिर से सत्ता में वापसी की, लेकिन 2018 के बाद ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी आलाकमान के साथ ही प्रदेश के कद्दावर और वरिष्ठ नेताओं के मन में वसुंधरा राजे का जलवा उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और 2023 तक पहुंचते पहुंचते वसुंधरा अब महज कुछ ही लोगों की पसंदीदा नेता बनकर रह गई हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज हम इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में महिला अत्याचार, पेपर लीक, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इसे लेकर कई प्रदर्शन और आंदोलन भी राजस्थान बीजेपी की ओर से किए गए हैं, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता नजर आए, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ शामिल हैं। लेकिन नजर नहीं आई तो वो है 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिसके बाद से सियासी गलियारों में लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या वसुंधरा ने खुद दूरी बनाई है या फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रदेश में खारिज करने जा रही है, जबकि इसके विपरीत वसुंधरा राजे पीएम नरेंद्र मोदी और
बीजेपी के बड़े नेताओं की सभाओं में लगातार नजर आई है। नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन में वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी बहुत सारे सवाल खड़े करती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि नहीं सहेगा राजस्थान में पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किए गए और आखिर में एक बड़ा प्रदर्शन जयपुर में आयोजित किया गया जहां सचिवालय को घेरा गया। तमाम बड़े बीजेपी के नेता यहां मौजूद थे लेकिन उनमें एक चेहरा नदारद था, वो थी वसुंधरा राजे। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव से ठीक पहले ये एक बड़ी चुनौती बन सकता है क्योंकि बीते कई आंदोलन कई प्रदर्शन के अंदर जो सीएम पूर्व सीएम वसुंधरा राजे हैं वो नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा चुनावी मैदान में वसुंधरा राजे के बिना उतरेगी, यह सवाल लगातार बना हुआ है। इस चुनावी मैदान में आगे क्या होगा यह जानने के लिए आप हमसे लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।